अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचर अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की तीन गतियां, पितर, आहुत, वासु, कितने? तीन। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं, पितर, अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। जो एक्सीडेंट आदि खांसी सुसाइड, बस तीन। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासु, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं, फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा बढ़ता है। ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितर अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितर आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर महाराज चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडी चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए, एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा।